श्री समय सार गाथा श्लोक 164 विषय दंड अधिकार तारीख 29/8/1998 नमो अभिन्तानं नमो सुप्रां नमो आर्यां नमो विभूतारं नमो वैरिक सर्वसाम नमो सर्वसाराय स्वामी भूतया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान् प्रच मंगलं भगवान् जी मंगलं गौतमानं मंगलं कुंदकुंडाभ्यो जयं दर्पोस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्मानां जयं देवतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय श्री समय सारथी ब्रह्मा आचार्य कुंकुल भगवान द्वारा रचे इना पर टीका मटन राकार मां बंद अधिकार चाले छे जीव चार गति में रखड़पट्टी करे छे तो एवी कई भूल करे छे कि जेने कारणे एना कर्म बंधाय छे भाव बनशे द्रव्य बंधा द्रव्य बनशे चार गति में रखड़पट्टी अनंत काल से करता आया है जीव तो ऐसी क्या गलती जीव करता बंद अधिकार में आचार्य दे अपनी मूल गलती बताते हैं उन श्लोक पढ़ते हैं श्लोक में पूरी बातें आएंगी और सुंदर श्लोक है श्लोक नंबर 164 आत्मख्याति टीका का मूलचंद्र द्वारा अच्छी आचार्य भगवान के द्वारा अच्छी श्लोक का अर्थ कर्म बंद करने का कारण क्या है बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ ये लोक नहीं आती है आखा लोका अंदर कर्म वर्णन स्कंदो ठीक ठिकाने भरला से कोई जगह बाकी ना बदले ठिकाने पर इन्हें कारण कहीं जीव बंधा तो नहीं जीव बंधन में नहीं आता है कर्म वर्णन के स्कंद के कारण जीव बंधन में नहीं आता है क्यों तो कर्मण वर्णना का लोकापास के अंदर शीतशिला के ऊपर भी है वर्णना तो भगवान ये जो शीतशिला जो है वो लोकाकाश के अंदर का एरिया है लोकाकाश के हर जगह पे कर कर्मण वर्णना है तो शीत भगवान जहाँ भी रहते हैं वहां अनंत निगोद के जीव भी है एक एक जगह पे फूल भरे हुए और कर्मण वर्णना के स्कंद भी वहां है पुद्गल स्कंद भी वहां है अगर इनके कारण से बंधन होता उद्गलों के कारण से बंधन होता किस भगवान को ही बंधन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता कर्म बंधन करने का कारण नहीं है बहु कर्म योग्य उद्गलों से भरा हुआ यह लोक इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम पंचम काल में इस क्षेत्र में ऐसे आ गए हैं तो क्या करें क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो आप क्षेत्र के कारण से या अन्य कर्म वर्ण के जो स्कंद है उसके कारण से बंधन में नहीं आते इसलिए डरने की कोई बात नहीं है कि हमारा क्या करें पंचम काल में आ गए ऐसा उन्दो सर्पणी काल है ऐसे भरत क्षेत्र में कोई ज्ञानी नहीं है ये परेशानी है तो अगर महाविद्य क्षेत्र में होते तो हो जाता तो वहां भगवान बिराजते हैं वहां ज्ञानी पुरुष है सब है यह नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा आ गया क्या करें क्षेत्र के ऊपर मत डालना और कर्म पुद्गलों के ऊपर भी मत है ये पहला कारण नहीं है चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय के योग मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है इसीलिए कर्म का बंधन हो रहा है बिल्कुल गलत बात मुनिराज भी अपने ध्यान में रहते हैं तो हलन चलन और अवस्था में भी होता है हलन चलन का भाव
वहां पर भी पूर्ण वितरकता होने के बाद योग का कंपन तो वहां पर भी है, अर्जुन भगवान को भी है। तो मन वचन का है कि प्रवृत्ति, मन वहां रहता है, शरीर रहता है, मन रहता है, और हलन चलन की क्रिया भी वहां होती है। अरिंद भगवान उपयोग नहीं करते शरीर का, मन का उपयोग नहीं करते, लेकिन योग का कंपन तो अरिंद भगवान को भी, लेकिन बंधन नहीं होता है। मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति से बंधन नहीं होता है। हमको दुकान जाना पड़ता है, घर घर की संभालना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, ठीक है, उसके कारण से बंधन होता नहीं, ये बात कहते हैं। और तीसरी बात, नथी अनेक प्रकार न कारण, अनेक प्रकार के साधन सामग्री का उपयोग करते हैं, रोटी बनाने में चकले बेलन, ये ऐसे व्यापार धंधे में भी स्कूटर आदि जाना आने में, या वो वहां पर भी कोई साधन सामग्री लेते हैं, तो इतनी पराधीनता हमको भोगनी पड़ती है, इन साधन के बिना हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये जो गुलामीपना है उसके कारण से हमको बंधन हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। इनके कारण से बंधन होता नहीं है, साधन के कारण से बंधन नहीं होता है, कई प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हैं उनके कारण से बंधन नहीं होता है। दूसरी बात आगे और, नति चेतन अचेतन नो घाट, जो संसार अवस्था में हम रहते हैं, हलन चलन की क्रियाएं होती है, तो चेतन अचेतन का घात होता है, कई जीव हमारे पैर के नीचे आकर के मर जाते हैं। खाना बनाते हैं तो दिन में भी, तो रात्रि में ज्यादा होते हैं, लेकिन दिन में भी तो ये अग्नि का ही, वायु वायु का ही, सब जो वगैरह होते हैं उनका तो घात होता ही, पल पल पंखा चलाते हैं तो वायु का ही जीव मर जाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी स्नान करना तो पानी के जीव मर जाते हैं, ऐसे कई प्रकार के होते हैं, इनके कारण से बंधन नहीं होता है, ये कहते हैं। ऐसा मत समझो कि हम संसार में इसलिए भरण परिभ्रमण कर रहे हैं कि ये सब हिंसा हो रही है, इसलिए हम परिभ्रमण कर रहे हैं। जड़ पदार्थ हमारे हाथ से टूट जाता है, कब्र कभी टूट जाती है, इसीलिए बंधन हुआ ऐसा नहीं है, और जीव मरते हैं इसके कारण से बंधन हुआ ऐसा भी नहीं, ये सब कारण नहीं है, ये बात कहने जाती है। क्या है कारण? उपयोग भू अर्थात आत्मा राग आदि, राग द्वेष और अन्य कथा है, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक गुस्सा, ये 25 प्रकार के जो कि परिणाम मन में चल रहे हैं, ये कोई भी एक एक कथा होता है एट ए टाइम, 25 कथाएं में से कोई भी एक कथा है तो संसारी जीव को रहता ही, एक भी कथा नहीं होता है बुद्धिपूर्वक का, कब फिजिकल आत्मा का अनुभूति होती है तब, वो भी बुद्धिपूर्वक का, अबुद्धिपूर्वक का वहां भी चालू है, निर्विकल्प अनुभव हो गया इसलिए अबुद्धिपूर्वक का चालू नहीं, ऐसा नहीं है, अबुद्धिपूर्वक का चालू है, बुद्धिपूर्वक के कसाय नहीं होते हैं, वो ही समय है एक निर्विकल्प अवस्था, बाकी ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उपयोग बार गया कि शुभ अशुभ भाव रूप कोई ना कोई कसाय चालू ही पड़ा है, चाहे वो अर्थ रूप हो चाहे शोक रूप, रति रूप हो चाहे अरति रूप हो, क्रोध रूप हो चाहे मान रूप हो चाहे माया रूप, कोई भी हो, अच्छे के लिए क्रोध करो, समझो किसी जीव को बचाने के लिए किसी को अटका रोक दिया तो पुण्य भाव हुआ, तो वहां मारने का अभिप्राय नहीं था, क्रोध तो आया लेकिन मारने का अभिप्राय नहीं था, तो वो क्रोध क्रोध द्वेष रूप क्रोध नहीं है, वो पुण्य रूप क्रोध है, वो पुण्य भाव का क्रोध हुआ तो पाप में जाते ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्रोध होता है तो स्वर्ग गति भी मिलती है, क्रोध किस एंगल से किस अभिप्राय से किया गया है, तो जैसा उपयोग बाहर जाता है तो इस प्रकार से बंधन हो ही जाता है, कोई ना कोई कसाय हो ही जाता है, लेकिन वो कसाय कारण नहीं है बंधन का, ये बात करते हैं। मूल कारण आत्मा को बंधन होता है, उसका मूल कारण क्या, कहां गलती कहां हो रही है, कि उपयोग भू अर्थात आत्मा राग आदि के साथ जो एक्यता होता है, एक्यपना करता है, एक्यपना पामता है, वो बंध का कारण है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कसाय के परिणाम बंध के कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ समय सार के अंदर बंध अधिकार के अंदर आचार्य देव जीव की ओरिजिनल गलती बताते हैं, वास्तविक गलती क्या है, ऐसे व्यवहार से हम कह सकते हैं कि इन्हें क्रोध कर रहे तो कर्म बांधा है और बाहर का आचरण देख करके, लेकिन वास्तव में वो बात नहीं है, बंध का असल बंध का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो माने क्या, कि जैसा जीव का ओरिजिनल स्वरूप है ऐसा नहीं मानना, और उसको रागी द्वेषी क्रोधी मानी ऐसा मानना, जीव तो परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध भगवान के जैसा है, स्वयं परमात्मा है, उसको परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं करना,
और ज्ञान का उपयोग राग के ऊपर जाते ही मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं संसारी हूँ, मैं पामर हूँ, ऐसा मानना अपने आप को। ये जो एक्य भाव किया राग के साथ ज्ञान का एकत्व हुआ होगा, है दो चीज, राग और राग को जानने वाला ज्ञान। आत्मा क्या करता है, राग करता है कि ज्ञान करता है? आत्मा ज्ञान करता है, लेकिन संसारी जीव को अपना ओरिजिनल स्वरूप का पता नहीं है। खुद को तो पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि तुम भगवान हो तो भी स्वीकार करने को राजी नहीं। नहीं नहीं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं? प्रत्येक दिख रहा है हम संसारी हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, समाज वाले हैं, हमारे ये जाति है, फिर उसमें तो और भी आगे बहुत नफरा है। हम तानकवासी है, हम सितंबर डेरावासी है, हम दिगंबर है, फिर उसमें भी परेशानी है। हम कांजी स्वामी वाले हैं, हम जयपुर वाले हैं, हम भावनगर वाले हैं, क्या बना के रखा है तेरा स्वरूप क्या है भाई? तू ऐसा है ही नहीं, तुम भगवान हो। तुम भगवान स्वीकार करो तो बात पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान रूप से स्वीकार नहीं करता है जीव अपने आप। जीव को मोह ऐसा जकड़ लिया है, मोह ने, कि खुद तो जागता नहीं है और गुरु जगाते हैं तो भी जागने को तैयार नहीं है जीव। कितना कितना परेशानी, कितना समझावे। यहाँ कहते हैं तेरी गलती क्या है, तेरी गलती ये है कि तू अपने आप को भगवान स्वरूप नहीं मान करके राग द्वेष के जो परिणाम हो रहे हैं उसमें तुम एक कर लेता है। उपयोग भूख अर्थात आत्मा राग आदि के साथ एक भाव को पामता है, वही एकमात्र मतलब राग नहीं, क्रोध नहीं, लेकिन मैं क्रोधी हो गया, यही एकमात्र रागाधिक के साथ एक पना होना, यही एकमात्र वास्तव में पुरुषों को माने आत्मा को जीव को बंध का कारण है। क्या बताया है? क्रोध मान मान कसाय नहीं करना, ऐसा करना क्या नहीं करना, हमको एक भी कसाय नहीं करना है तो ध्यान कहाँ जाएगा? मुझे क्रोध नहीं करना है तो बार बार किसके ध्यान जाएगा? कहीं गलती से मैं क्रोध न कर बैठू, कहीं गलती से मुझे मान कसाय न हो जाए, संभाल के रखना है। लेकिन नजर किधर? क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वो गाली देता है लेकिन हमको क्रोध नहीं करना है। नजर कहाँ चले गई? बाहर चले गई कि हमको परिणाम को संभालना है, परिणाम को नहीं संभालना है हमारे। क्रोध में कर सकता ही नहीं तो दृष्टि कहाँ जाएगी? स्वरूप के ऊपर जाएगी, स्वरूप परम पवित्र है। इसके बदले मैं क्रोध नहीं करूं, क्रोध नहीं करूं, ये नहीं करूं, ये गलती नहीं करूं तो ध्यान पूरा परिणाम के ऊपर चले गए, द्रव्य के ऊपर ध्यान आया ही नहीं। परिणाम का ज्ञान जरूरी है, परिणाम का ज्ञान जरूरी इसलिए है कि परिणाम बिगड़ते हैं कि सही चल रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं तो मालूम करने के लिए। लेकिन परिणाम को हम बदल सकते हैं? क्योंकि बदलने की जरूरत नहीं है, कि जो भी है गड़बड़ है वो कहाँ है? परिणाम में है। और परिणाम को हम बदल सकते नहीं, किस परिणाम को बदलोगे? भूतकाल में गलती हो गई उसको तो बदलने का सवाल नहीं है, भविष्य काल में जो गलती करने वाले वो अभी आई नहीं है तो कहाँ से बदलोगे? और वर्तमान में जो गलती हो रही है वो तो है ही एक समय की, आप बदलने का विचार करो दूसरा समय हो गए, अब किसको बदलना है? किसको ही बदलना है? तो कर क्या सकते फिर आप? फिर गलती कैसे निकलेगी? गलती कैसे निकलेगी कि स्वभाव मेरा गलती वाला नहीं है, मैं तो अभी वर्तमान में इसी वक्त आनंद की ज्ञान की मूर्ति हूँ, असंख्य प्रदेश शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा, असंख्य प्रदेश ही मैं ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, मेरा स्वभाव में कभी कोई है ही नहीं है, कोई कमी आई नहीं है मेरे में, मैं राग राग परिणाम में होता है, मेरे में नहीं होता है। तो राग जो परिणाम में होता है उसकी फिक्र कौन करेगा निकालने की? परिणाम करेगा, मैं करने वाला नहीं, मैं तो ध्यान भी करने वाला नहीं हूं, मैं तो ध्यान का विषय हूं, परिणाम को मेरा ध्यान करना है तो करे, परिणाम को अगर सुधरना है और मेरा ध्यान करना है तो करे, मैं तो ध्रुव भगवान हूं, मुझे कुछ करना नहीं, करना धरना मेरे स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सहज ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसे सिर्फ जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना, और कुछ भी ये करूं या ये नहीं करूं ऐसा कोई भी भाव नहीं होना, बस वहां धर्म की प्राप्ति होती है।
करने धरने का रहता नहीं है, समय से करना कि नहीं करना, नहीं वो सवाल ही नहीं होता है। मैं संवर के परिणाम नहीं हूँ, मैं निद्रा के परिणाम नहीं हूँ, मैं मुक्ति के परिणाम भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला। मेरे में कुछ होने नहीं होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि मेरा बिगाड़ सुधार हुआ ही नहीं है ना अब तक। मैं मेरे स्वरूप को देखता हूँ, स्वभाव को देखता हूँ, तो मेरा स्वभाव तो बिल्कुल परम पवित्र। लेकिन जैसा पानी है तो गर्म हुआ है, तो अवस्था गर्म हुई है, स्वभाव गर्म हुआ नहीं। जिस वक्त पानी गर्म दिख रहा है, हाथ डालते हैं तो जल जाते हैं, उसी वक्त पानी कैसा है, स्वभाव कैसा है, शीतल है। वैसा बाहर से भले ही हम क्रोधी मानी लोग ऐसा दिखते हो, संसारी दिखते हो, ग्रह दिखते हो, पुरुष दिखते हो, स्त्री दिखते हो, व्यापारी दिखते हो, वास्तव में भगवान आत्मा कैसा है? मैं तो ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, ये तो सब नाटक के वेश है। मैं अभी ऐसा नहीं हूँ, अब मैं ठगे जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सावधान हो गया हूँ। अब तक मोह की नींद में सो गया था, आंख खुली थी लेकिन नींद कौन सी थी, मोह की नींद थी। ये दारू पीने का तो शास्त्र में आता है, धतूरे का जो नशा होता है वो तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये मिथ्यात्व का नशा ऐसा है कि जन्म जन्मांतर चलते रहता है, अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाती है। खुद भगवान है और दारू निकालने के बैठ जाता है, मजदूरी कर लेता है, खुद भगवान है। तो वो ऐसा कंपेयर किया है कि ऐसे मिथ्यात्व के नशे से तो धतूरे का नशा अच्छा, कि बहुत बहुत तो घंटा दो घंटा उतर तो जाता है, ये तो उतरता ही नहीं है मौका ना, ऐसी भ्रांति हो गई है। और इतना गजब का पकड़ लिया है इतने क्रांति के, सदगुरु समझाते हैं तो भी समझ में आता नहीं, खुद तो समझ में आने का सवाल ही नहीं, बेहोश हो गया है। ये जो सपना है उसको सत्ता मान लिया है कि मैं देवतन भाई, सत्ता मान ली, मैं देवतन भाई, मैं शरीर वाला हूँ, सत्ता मान लिया है, कुटुंब वाला हूँ, सत्ता मान लिया है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, मेरे बार है, मैं पैसे वाला, इज्जत आबरू वाला, पैसा इज्जत आबरू वाला, मैं मेरा स्वरूप नहीं है। तो बंध का कारण क्या बताया आचार्य देव ने, कि बहु कर्म उद्गलों से भरा हुआ ये लोक बंध का कारण नहीं है। मन वचन काया की जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है वो बंध का कारण नहीं है, वो ज्ञानी को भी होती है मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये भी उनकी गति किस तरफ है, निगोद की तरफ है कि मोक्ष की तरफ है। अरे उसी भाव में लड़ाई करने वाले भरत बाहुबली क्या हुआ उनका, उसका इसके पीछे आशय वो नहीं है कि पाप करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, आशय क्या है, आशय ये समझाना है कि बंध का असली कारण क्या है, ये समझाना है। देखो आप तो बोलते हो लड़ाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर, ऐसा नहीं कहते हैं, अभिप्राय हमको सिद्ध क्या करना है, अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा है कि पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए कि धर्म करना चाहिए। जब ऐसा बात आएगी तो पाप करने के तो बिल्कुल मनाई करने में आएगी, अभी टॉपिक वो चल रहा है कि असल गलती कहाँ हो रही है। तो कहते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति ज्ञानी को भी होती है, फिर भी वो बंधन का नहीं होते हैं, छूट जाते हैं, उसी को भी मक जाते हैं। 60,000 साल तक भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया है और उसी को भी मक गए, क्योंकि हमको भी लड़ाई करना ऐसा कहने में आता है, ऐसा नहीं है। या कारण आशय क्या है समझो, या आशय ये है कि ऐसा जो क्रियाएं बात की होती है मन वचन काया की, उसके कारण से बंधन नहीं होता है। तो हमें इस पर से क्या धरा लेना है, सार क्या लेना है, कि हमको संसार में रहकर के इतनी इतनी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, ऐसा जाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, इसीलिए मेरे से नहीं होगा आत्म कल्याण, मैं आत्मा के दर्शन नहीं कर सकूंगा, ये मानना बड़ा मिथ्यात्व है, ऐसा मानना ही नहीं, मैं अभी कर सकता हूँ। प्रवृत्ति से क्या लेना देना है, प्रवृत्ति चाहे जैसी हो, पर मैं स्वभाव की दृष्टि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अभी इसी वक्त कर सकता हूँ, तो मुझे आत्मा पर ज्ञान हो सकता है। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति से बंधन नहीं होता है, और मेरे हलन चलन से कई जीव मरते हैं, तो जीवों को मरने का पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा इस जीव को, और बंधन होता होगा कि नहीं होता होगा। जीव जो मरते हैं या जीते हैं वो अपने आयु से कर्म के कारण, उनका खुद का अपना अपना कर्म है, सभी जीव स्वतंत्र है, जीव मरता है या जिंदा रहता है वो उसके भाग्य में जैसा
उसने कर्म बांध क्या है वो हिसाब से होता है। अन्य कोई जीव अन्य कोई द्रव्य उसको न मार सकता है न जिंदा रख सकता है, न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। इसीलिए अपने चलने चलने से कोई जीव मर जाते हैं अनजाने में भी, तो इसके कारण से ये जीव का बंधन होता नहीं। तो क्या आप इतना कह के चलना है क्या? वो बात वो नहीं चल रही है, बात व्यवहार कैसे करना उसकी बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि असल गलती कहाँ है। नहीं तो फिर उल्टा मीनिंग लोगे, कभी खाओ पियो मजा करो कि जीव कहाँ मरते हैं। और इससे थोड़ा बंधन होता है, देखो क्लियर लिखा है कि जीव मरते हैं उसके कारण से बंधन होता नहीं। और समय सार दिखाई भाई ये बात ऊंचे चढ़ने के लिए, समय सार की बात हुई, समय सार सुनने को आए हो, मान भाग्यशाली हो। अगर इसकी एक बात उल्टी उतर जाए अंदर में एक ही बात तो न्याय हो जाएगा। ये समय सार का आधार लेकर के संसार बढ़ाने का प्रयोजन है तो दुर्गति में जाएगा, और मुक्ति के प्रयोजन से अगर समय सार की बात सुनोगे भगवान आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। अभी घर को जेल लगने वाली नहीं, क्यों? गलती कहाँ हुई है? गलती से मान्यता में हुई है, मान्यता सुधार लो। मैं रागी द्वेषी क्रोधी हूं ऐसा क्यों मानते हो जबकि तुम स्वयं भगवान हो? तब भगवान है जब केवल ज्ञान होगा तब, अभी भगवान हूं ठीक है। परिणाम में तो मिथ्या तो है, राजदेश के कसाय भाव है, हैं परिणाम मेरे में नहीं है, परिणाम में है। मैं कौन हूं? द्रव्य हूं कि परिणाम हूं? परिणाम हूं, मैं तो द्रव्य हूं। परिणाम तो एक समय का है, अपना तो अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा नहीं मानवे से बात कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत थता समय भूल जरूर छे, पर कितना समय नहीं थे एक जागे तो एक सेकंड में अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा नहीं पण अरे रे आ जीवो ने कौन समझावे? जेने मोरूपी दारू पीधो छे ने कौन समझावे? मोरूपी दारू पिया है उसको कौन समझाए? अनंत सुख नाम दुख त्या रही न, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्र। संसारी जीवों ने हालत कोई अलग प्रकार नहीं, उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़, तू हटाओ कोई ने आम करना तेम करना के नहीं कीधु, तू निहाड़ खाली तारू काम निहाड़वानू, ओनली टू सी ओनली टू ऑब्जर्व, जानना देखना तेरा कार्य है। निहाड़ रे निहाड़ तू उगाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़ तू, बे वक्त अवलोकन करता मुख निहाड़ 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 रे निहाड़ तू निवृत्ति शीघ्र मेव धारी ए प्रवृत्ति बार नी संसार नी हाय हुए छोड़ी ने शांत धीरो थई ने कई प्रवृत्ति करवानी? निहाड़वानी प्रवृत्ति करवानी। जीव पोताना परिणाम में थयेला कसाय ने पण आठ हटावी सकतो केम के आश्रव तत्व भिन्न छे अने ज्ञान तत्व एक तत्व बीजा तत्व नु काई करी सके नहीं काई। पोताना ज परिणाम में देखाता राग द्वेष क्रोध आदि भावों ने जीव हटावी सकतो नथी, एटलू ज नहीं सम्यक दर्शन ना परिणाम ने पण लावी सकतो। 320 गाथा जेम नेत्र तेम ज ज्ञान नथी कारक नथी वेदक करे एम आ जीव नो स्वभाव जाणवानो छे, बंध ने जाने आश्रवो ने जाने संवर ने जाने निर्जाने पण जाने अने मोक्ष ने पण जाने। हूँ तो मुक्त स्वरूप छू ने परिणाम में मोक्ष थयो एम जाने, परिणाम में पहला बंधन हतुं हवे परिणाम में मोक्ष थयो, मारा में बंधन थयो नथी ने मारा में मोक्ष थवानो, हूँ केम के हूँ वर्तमान में मुक्त स्वरूप छू आ स्वभाव दृष्टि। बंधन थी छूटवा माटे बीजो कोई उपाय दूसरा कोई उपाय नहीं बंधन को छोड़ने। स्वभाव की दृष्टि स्वभाव की महिमा स्वभाव की दृष्टि और वारंवार उपयोग अपने को एक ही काम करना है दिन भर कि मैं भगवान हूं ऐसा मानता हूं कि कुछ करने धरने में रुक गया हूं, चेक यहां ही करना है देखना है चेक करना मना सिर्फ ओनली टू सी। दिवस भर काम शुरू करूं निहार रे निहार तो आ एक काम करवानू કે હું મારા સ્વભાવને અવલંબું છું જાણવા દેખવા રૂપે પરિણામો છું કે કઈ કરવું છે ને કઈ નથી કરવું એમાં પડ્યો છું ક્યાં પડ્યો છું? એક એક સમય મારો લાખેણો સમય
कि एक समय में हूँ अंदर में अंतर्मुख थी जाऊं और मेरे भगवान का मुझे दर्शन हो जाए तो जन्म मरण का अंत हो जाए। एक दर्शन मात्र थे, वो एक एक पल में कैसे गुजारता हूँ, भगवान की दृष्टि कर रहा हूँ मेरी कि फिर ये करना है और ये नहीं करना है, उसमें पड़ा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ कि कुछ निर्णय कर रहा हूँ कैसी गलती दोबारा नहीं करना है। हमको न पश्चाताप करना है न भविष्य का निर्णय करना है, हमको तो वर्तमान में जीना है। वर्तमान में मेरी दृष्टि किधर है, स्वभाव पे है कि परिणाम पे है? कुछ हेरा फेरी कर रहा हूँ कि अंतर्मुख अपने भगवान के दर्शन कर रहा हूँ? कुछ करने का ही नहीं, दर्शन ही करने का, भगवान चित भगवान भी वही करते हैं, अरिंद भगवान भी वही करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है बाहर की, अपने भगवान को देखना वही कोई एक्टिविटी, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं। तो ये बात इधर करें कि बंद का असली कारण राग के साथ आत्मा का एक्य भाव हो जाना, राग नहीं राग के साथ आत्मा का एक्य भाव होना, खास ख्याल में रखने का। हम घड़ी घड़ी में क्रोध हो जाता है, घड़ी घड़ी में ऐसा हो जाता है, भाई वो बंध का कारण नहीं है। संसार अवस्था में जब तक तुम पूर्ण वितराग नहीं हो गए तब तक साधक दशा में भी कई प्रकार के शुभ अशुभ के परिणाम होते हैं, उससे कोई दुर्गति में नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं। कान पे मुर्दा लेके घूमते हैं रामचंद्र 6-6 महीने तक लक्ष्मण जी, क्या कोई अज्ञानी जो ऐसा कर सकता है? ज्ञानी को भी ऐसा हुआ, ये राग नहीं है क्या? तीव्र राग है भाई के ऊपर, इतना प्रेम के हो तो कैसा भी वो कैसे बोल सकता है मैं कुछ भी इलाज करूंगा तो जिंदा करूंगा, कैसे मैंने तब रखा है, यहाँ विश्वास ही नहीं करते कि मर गए, इतना मोह में। और सीता को उठा के गए तो राम रोते हैं, डाली पत्ता को पूछते हैं, झाड़ पत्ता को पूछते हैं, भाई सीता किधर है, आंख में चांस चले आते हैं। ज्ञान दशा ऐसी होती है क्या? ज्ञान दशा तो ऐसी होती है कि अंदर में भगवान आत्मा का शरण कभी छोड़ते हैं, उसकी दृष्टि रहती है अंदर कायम, मैं भगवान हूं। कि परिणाम में ऐसा गड़बड़ है ना कि परिणाम का ज्ञान है उनको, परिणाम का भी ज्ञान है, उसको हेरा फेरी करने का भाव उनको नहीं होता है। ज्ञानी को कभी भी अपने परिणाम में हेरा फेरी करने का भाव नहीं होता है। अगर ऐसा भाव किया तो इसका मतलब यह हुआ कि परिणाम स्वरूप मैं हूं, मैं आत्म भाव वाला हूं, ऐसा। तो परिणाम के साथ एकत्व ज्ञानी को कभी भी होता, इसलिए परिणाम जो भी होते हैं ज्ञान का ज्ञेय है, उसको ऐसा करना नहीं वैसा करना नहीं ऐसा बोझा सर पे रखते नहीं ज्ञान को। बेंस जी का 33 नंबर या 34 नंबर का कुछ बोल है कि वस्तु बहु खेद न करो, बहु खेद न करो, वस्तु परिणाम अंतिम से राग आवे खरो पर राग जल्दी काढ़ी नाखू जल्दी काढ़ी नाखू एवं करीने माथे बोझा रखा जाए, वो કેમકે પરિણામશીલ વસ્તુ છે, અત્યારે રાગ છે કાલે વિતરાગ હશે, એક સમયમાં પલટી જશે, તારે એનું ધ્યાન નથી રાખવાનું। જો રાગ ને છોડવા જઈશ તો તું શૂન્ય અથવા શુષ્ક થઈ જઈશ, એવા શબ્દો છે માતાજી કેન્સીના વચનામૃત। રાગ નું જ્ઞાન હોય અને સ્વભાવ નું ધ્યેય હોય, લક્ષ્ય હોય, રાગ નું માત્ર જ્ઞાન એને જાણીને બસ ચૂકી જવાનું, કોઈને હટાવવાનું નહીં, એને હટાવવાનું નથી, કઈ હટાવી શકતો પણ राग ने हटाई सकता नहीं, क्रोध ने हटाई सकता नहीं, क्रोध ने जानता है, क्रोध ने जानी ने तरत उपयोग फेरता, स्वभाव ने जोता क्रोध एनी मेड़े तड़ी जाए, क्रोध ने ताड़ो पड़तो ना। राग नो त्याग करो ये नाम मात्र कथन है, व्यवहार तो कथन है, खरेखर राग नो त्याग करवो पड़तो नहीं, स्वभाव की दृष्टि तथा राग उत्पन्न थतो ज नहीं, एटले व्यवहार की भाषा में एम कहवाय कि आ ज्ञानी पुरुष है राग नो त्याग करे, ખરેખર જ્ઞાની પુરુષ રાગ નો ત્યાગ કરતા જ નથી, એ સ્વભાવ નું ગ્રહણ જ કરે છે। સ્વભાવ ને ગ્રહણ કરવું એટલે શું? માત્ર જોવું, ગ્રહણ કરવું એટલે કઈ બનાવવું નથી, કઈ સ્વભાવ કઈ બનાવી શકાતો નથી। એટલે અહીંયા આ ભૂલ જે બતાડી છે કે રાગ સાથે જે એક કે ભાવ કર્યો છે એ મોટામાં મોટી ભૂલ। હવે આ એક પણ ની માન્યતા છે, એ તારતા કેટલી વાર લાગે? 40 વર્ષ નું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા તમારે એમ વિભાવ અનાદિ નો અનાદિકાળ થી ચાલે છે, એક એક કરતા સમય કરતા કરતા પણ ધ્યાન થતા એમ જાગૃતિ આવે કે તું થઈ જાય, તરત જાગૃતિ શું રાખવી કે હું તો જ્ઞાયક પરમાત્મા છું અને આ રામ દ્વેષ ના પરિણામ નો પણ હું માત્ર જાણનારો છું, મારે કઈ કરવું પડવું કઈ પડતું
શરીર શરીર ની મેળે ચાલે છે, વિભાવ વિભાવ ની મેળે ચાલે છે, અને ઉંમર ની મેળે ચાલુ છે. પતી ગઈ વાત, એમાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? કોઈ જાત બધું ગોઠવાયેલું છે, ગોઠવવું પડતું બધું ગોઠવાયેલું છે ઓલરેડી. આ ગોઠવવાની માથાકૂટ કરે કે આપણે આમને આમ કરીને આમને આમ કરી કઈ કરીએ તો પામીએ, અહીંયા આ કરીએ તો પામીએ એવો માર્ગ જ નથી. આ વિતરાગ ના માર્ગ માં કઈ કરવા ફરવાની વાત આવતી નથી, માત્ર જાણવાની વાત આવે છે. જાણવું કેટલું ઈઝી છે કે જાણવામાં કઈ બોજો પડતો નથી, જાણવામાં કઈ તકલીફ નથી. કોઈ જાત ગમે એટલું જાણી લો, તમે સ્વભાવને જાણો, વિભાવને જાણો, પરિણામને જાણો, દ્રવ્યને જાણો, જાણવામાં કઈ બોજો જ નથી. રાગ ને જાણવાથી કઈ બંધન થતું નથી, કઈ રાગ ને પોતાના મનમાંથી બંધન થાય. ગુરુદેવ નો બોલ છે પરમાગમતા 249 કે રાગ કો જાણને સે જ્ઞાન મલિન નહીં હોતા હૈ. રાગ કો જાણતે વખત મેં રાગી હો ગયા એસા માનને સે જ્ઞાન મલિન હુઆ હૈ, ઇસીલિયે વો કર્મ બંધન કા કારણ હૈ. અમૂલ બીજ હૈ, યહી મિત્રત્વ હૈ. તો માતાજી તો કહે છે 416 નંબર ના બોલ, છોડવાનો તું મરણીય પ્રયાસ કર, પગમાં કાંટો વાગે એટલું દુઃખ પણ તું સહન કરી શકતો નથી. તો જેના ગર્ભમાં અનંત જન્મ મરણના દુઃખ પડ્યા છે, કેટલા જન્મ મરણના, એવા મિથ્યાત્વને ટાળવાનો તું ઉદ્યમ કેમ કરતો નથી? એટલે શું મિથ્યાત્વને ટાળવું એટલે શું? કે મારી ભૂલ ક્યાં થઈ રહી છે સમજવું, અને એ ભૂલને કાઢી નાખ. કાઢી નાખી એટલે કેવી રીતે કાઢી નાખ? કે આજથી નક્કી કરવું કે હું તો ભગવાન આત્મા છું, હું પામર છું જ નહીં, કરે રાગ દેશ નો કરતા ધરતા હું નથી. ભલે અત્યારે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં ના આવે પણ હાથો પાડો કે હા હું એવો છું. પેલા વિકલ્પમાં આવશે બધી વાત નક્કી, પેલા વિકલ્પમાં આ વાત બેસશે કે હું તો આવો છું. પણ વિકલ્પમાં જેને આવું બેસ્યું હોય એ ઉત્સાહભેર કામ કરીને અંતર્મુખ થાય. જે પોતાને ભગવાન માને, આપણે સમજો રાજાનો રોલ કરીએ નાટકની અંદર, આમ ભલે ઝાડુ વાળા નોકરી કરતા હોય, ભંગી જે હોય રોજ ઝાડુ કાઢવા હોય, એનો ફેસ બધ સરસ હોય, એક્ટિંગ કરતા સારું આવડતું હોય, નાટકમાં રોલ આપે રાજાનો, કોનો રાજાનો. હવે જયારે સ્ટેજ ઉપર આવે ત્યારે આમ ઝાડુ કાઢતો આવે તો શું આવે? એ તો તલવાર ખાંચે આમ સીધી, અને મુગટ પહેરેલો હોય ને કેમ થાટ માટ કોઈ અલગ જ પ્રકારનો હોય. એની ચિંતા બધી વહી ગઈ રાજા માને, એમ ભગવાન માને પોતાને ચિંતા બધી. મારે કોઈની જરૂર નથી, હવે પરાધીન પણ છૂટી જાય તો દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ની જરૂર છે કે નહીં? ભગવાન છું પછી વાત ખલાસ થઈ ગઈ. નિશ્ચય થી શરણ કોણ? આ આત્મા ને નિશ્ચય થી શરણ કોણ? એ પંચ પરમેશ્વરી પણ નિશ્ચય થી કોને છે? આ આત્મા ને છે. બાર માં જે પંચ પરમેશ્વરી છે વ્યવહાર થી કહેવામાં આવે, આ જ આત્મા અરિયન થવાનો છે, આ જ આત્મા થી જ થવાનો છે. નિશ્ચય થી પંચ પરમેશ્વરી પોતે જ પોતે ભગવાન સ્વરૂપ આત્મા. આ ગુરુદેવ ના વચના છે, બધા ટેપમાં આવેલા છે, બધા ગુટન ખરેખર આ કરવું છે. એટલે તો કીધું ને છેલ્લો મંત્ર શું આપે? સહજાત્મ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ. તારે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, તું જ તારો ગુરુ ને તું જ તારો દેવ છે, ચૈતન્ય દેવ. હું જ મારો ભગવાન છું, પરમાત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ કહેવાય છે માતાજી નું વચન. તું પોતે જ પરમાત્મા છે, એટલે આટલી નક્કું નક્કી કેટલું કરવાનું, આટલું નક્કી કરવાનું. એને માટે કઈ જે પ્રયત્ન કરો, બાકી બીજી પ્રયત્ન મૂકી દો. હવે આટલી ક્રિયા કરો ને આમ કહી નાખો ને તેમ કહી નાખો ને કઈ નહીં થાય, કે એવું અનંત વાર કર્યું છે. યમ નિયમ સંયમ આપકીય કોની ત્યાગ વિરાગ અથાગ લયો, મન વાસ લિયો મુખ મૌન રહ્યો, દ્રઢ આસન પદ્મ લગાયો. જપ ભેદ જપે તપ ત્યો હિ તપે, પુરુષે હિ ઉદાસી લઈ તપે, સબ શાસ્ત્ર કે નય ધારી હી મત મંદન ખંડન વેદકી, વ સાધન વાર અનંત કિયો તદપી કછુ વાત રજુ ન પાયો. ક્યાં ગલતી રહી ગઈ? ભગવાન કો ભગવાન રૂપ મેં સ્વીકાર નહીં કિયા, ભગવાન કો ભિખારી માના, રાગદ્વેષ કરને વાલા માના, ક્રોધી માના, માની માના. ઓર ફિર એક તો એ ગલતી હુઈ કે કસાય વાલા હું, ફિર કસાય પણ નિકાલને કી દૂસરી ગલતી કિયા. મેરે સર પે સિંગ હો ગયે અબ મેં કેસે નિકાલો, દૂસરી ગલતી. પહેલે સિંગ વાળા માનના વહી ગલતી, સપના આયા હે ભાઈ રાત કુછ હો ગયા, અરે દો સિંગ હો ગયે મેરે સર, વો ગલતી એક, અબ દૂસરી ગલતી. અરે સિંગ કો કેસે નિકાલો, બહાર કેસે નિકલું, સબ લોગ ક્યા બોલેંગે,
कहाँ कटा हूँ, किधर कटा हूँ, सबको मालूम पड़ जाएगा। ये दूसरी गलती, मूल में गलती होने से उपाय भी गलत। मूल में गलती के अपने को सिंह वाला माना, ये मूल में गलती, फिर उसको कैसे निकालो, कैसे निकालो, दूसरी गलती। भाई तेरे को कुछ सिंह बिंग हुए ही नहीं है, सपने का सिंह है और क्या है वो, क्या गलती मूल में होती है। दाग इधर था, आईने में देखता है तो उधर दाग दिखा, और वो साबुन लेकर के आईने को घसने लगा, क्या किया, क्या किया, बहुत घसता है, अभी निकलता नहीं, और घसो और घसो, तो कांच फूट गया, लेकिन ये गया तो गलती किया ना, रेती में से तेल निकल रहा है। दोषी माँ की सोए जो थी झोपड़ी में गिर गई, और वहां से अंधेरा और दिखता नहीं था, तो बाहर रोड के ऊपर बहुत स्ट्रीट लाइट में जोरदार रोशनी आती थी, क्या किया दोषी माँ ने, कहाँ ढूंढेगा, अब वहां मिलेगी क्या, क्योंकि वहां कोई नहीं है, कोई जहां कोई है वहां मिला, ऐसे असल गलती समझ में आवे तो वो गलती निकालने का प्रयास। ये आचार्य देव ने बहुत बड़ा उपकार किया है, और गुरुदेव ने बहुत उपकार किया है, क्योंकि अपने को असली गलती बताई। अब ये आराधना के दिन है, आराधना के दिन में ये गलती समझ में आ जाए, हम इतने सरल हो जाए, सरल होने क्या मालूम, कि शायद इतने क्रोधी हो ना, भाव सर्व आर्ध धर्म है ना, आज आराधना उत्तम आर्ध धर्म, मतलब सरलता, माया कपट नहीं, मुख में राम बगल में छुरी नहीं, तो चाहे जितना कसाई वाला क्रोधी हो ना सर, लेकिन अपने घर में जाना है तो कैसा होना पड़ता है, सरल माने ऐसा है सत्य टेढ़ा नहीं, सरल सरल होना पड़ता है, क्रोधी तो बहुत है, लेकिन अपने घर में जाना है तो सरल होना पड़ता है। ऐसे हमने आज तक बहुत अपने आत्मा को दुखी किया, किसी और ने दुखी नहीं किया है, किसने दुखी किया है, ये अनंत काल से आज तक हमने अपनी आत्मा को चार गति में भटकाया है, किसने भटकाया, अपने, किसी और ने नहीं भटकाया है। अभी अगर आत्म कल्याण करने की शक्ति भावना है, वही सरलता है, सरलता मने क्या, शुद्ध अंतकरण की भावना, अभी कम से कम अपने घर में जाने के लिए, अपने सुख के लिए कम से कम अभी तो सरल बन जाओ, शुद्ध अंतकरण से निश्चय करो कि मुझे अभी मेरा कार्य करना है, शरीर का कार्य मुझे नहीं करना है, कुटुंब का नहीं करना है, परिवार का नहीं करना है, समाज का नहीं करना, अभिप्राय में से निकाल दो, फिर भले अभिप्राय में से निकलने के बाद भले ही होवे आचरण में, उसकी कोई तकलीफ नहीं है हमारे, क्या क्या अभिप्राय में निकाल दिया तो अभी आचरण में होगा, अभी होता है ना, पहले अभिप्राय में निकाल, लड़की की सगाई होती है तो पहले अभिप्राय में होता है कि अभी ये घर मेरा नहीं, मेरा घर ससुराल का घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, एक सेकंड के अंदर सगाई नक्की की अभिप्राय बदल गया, अभी जाएगी तो बाद में, शादी होने के बाद जाएगी, अभिप्राय में नक्की करो, पहले अभिप्राय में नक्की होता है, गलती पहले कि मुझे इस गांव में अभी कुछ करना नहीं, करना और नहीं करने पे चौपड़ी लगा दी हमेशा के लिए अभिप्राय में, फिर बाद में एक्शन हो गए, रिएक्शन हो गए, जो भी हुए बाद में, बात का बात, वो असल में करते ही नहीं, मानते हो कि मैं करता हूँ, रोटी कौन बनाता है, रोटी का एक्शन होता है कौन करता है, जीव करता है, जीव छूता भी नहीं है, अरे जीव तो भाव भी नहीं करता है, यही तो बात चलती है यहाँ, कि रोटी बनाने का जो भाव है वो आत्मा नहीं करता है, आत्मा तो उस भाव को जानता है, लेकिन संसारी जीव क्या करते हैं, अज्ञानी जीव, मैंने रोटी बनाने का भाव किया, इससे आगे बढ़कर के मैंने रोटी बनाई वो तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है, मैंने रोटी बनाई वो तो स्थूल मिथ्या दृष्टि, लेकिन मैंने मेरे को भाव आए वो भी मिथ्या दृष्टि, तो ज्ञानी क्या करते हैं, रोटी नहीं बनाते वो भी बनाते हैं, क्या करते हैं, ये रोटी बनाने का भाव भी मेरे बाहर है, मेरे परिणाम में, मेरे में नहीं है, मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, कितनी शांति है, जब रोटी में बना सकता नहीं, उसका भाव मेरे में हो सकता नहीं, कि रोटी अच्छी बने खराब बने उनको क्या आकुलता, जल्दी बने देरी से बने उनको क्या आकुलता, मैं बना सकता ही नहीं है, ऐसे अज्ञानी जी भी नहीं बना सकता है, अभिमान मोह के कारण से अभिमान, मैंने मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये जो एक के भाव है बंद का असली कारण, तो हमें जहां गलती है वो निकालना है, पहले गलती समझ में आवे कि गलती कहाँ हो रही, फिर गलती निकालने में एक सेकंड लगती है, उसका भी गाथाएं अपन लेंगे, आज का समय करीब करीब होने आया है, अब ये गलती जो हो रही है समय समय में
आगादी भावों के साथ एकत्र हो गया है, तो गलती को कैसे निकल, उसकी भी अन्य गाथाएं हैं। लेकिन पहले तो आज का उत्तम दिन है, आर्जव दिन, उत्तम आर्जव का दिन है। ऐसा कहते हैं कि अपने घर में जाने के लिए बहुत सरल होना चाहिए, ईमानदार, मुख में राम बगल में चोरी नहीं, ऊपर से कह के नहीं मुझे आत्मा का कल्याण ही करना है। और परिणाम कैसे चल रहे हैं, ये धोखा किसको दे रहा है, ये माया कपट के परिणाम किसके साथ कर रहा है, नुकसान किसको होगा, भवभ्रमण किसका बढ़ रहा है। नहीं करना है तो ऐसा बोलो कि मुझे राजी खुशी से नरक निगोद में जाना है, भटक नहीं, कोई आपको रोकने वाला थोड़ा, कोई रोक सकता है। मरीचि कुमार ने भगवान ऋषभदेव भगवान की बात नहीं मानी, क्या कर लिए ऋषभदेव भगवान, रोक पाए, जीव स्वतंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा में ईश्वर न, और मेहता माता जी के वतनामत में भी आता है, ईश्वर ने का मतलब क्या है कि इसमें इसमें इतनी प्रभुता है, ईश्वर का है कि सुलटा भी वो अपने आप हो सकता है, उल्टा भी अपने आप हो सकता है, कोई उल्टा कर सकता नहीं, कोई उल्टा करा सकता नहीं। आज का दिन एकदम इतना ऊंचा दिन है कि सरल हो जाओ, मुख में राम बगल में छोरी नहीं। अगर आपको भटकना है तो ऐसा बोलो कि हम राजी खुशी से नरक निगोह में जाने के लिए तैयार है, हमको कोई तकलीफ नहीं है किसी बात। लेकिन अगर बचना है, मुक्ति में जाना है, परम सुखी होना है, जन्म मरण का दुख नहीं चाहिए, तो आज के दिन प्रतिज्ञा कीजिए, अंदर से अपने आत्मा को पूछो, जबरदस्ती नहीं करना आत्मा के, अंदर से आत्मा अगर कहे कि मुझे अब छूट जाना है, बहुत हो गया, बहुत अफरपटी कर ली, युग युग से इच्छा सागर में धोते साता, पंचेंद्रिय मन के सतर सतर अनुपम रस पीने आया, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावण्य मई कंचन काया, ये सब कुछ घर की क्रीड़ा है, मैं अब तक जाऊं। बहुत गलती कर ली, बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत घुमा, भाव मन में जी घर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग संग मृग कृष्णा के मुझे कौन मिली, अपना इतिहास में जो होगा होगा, मैंने भ्रांति की, प्रमाद किया, जो कुछ भी किया, अपने आप भगवान को भूल करके भटका उधर उधर, हो गया तो हो गया। आज का उत्तम दिन है, मैं अंदर से आत्मा को समझा करके, अगर वो राजी है तो नहीं मुझे मोक्ष में जाना है, अब भटकना नहीं। इतनी सरलता आज के दिन में अगर आ जाए अंदर अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में, तो ये पूरी जीवन बदल जाएगा हमारा, गारंटी। पूर्णता से लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत होती है, गुरुदेव जी का पहला मंत्र, मुमुक्षुओं को 50 साल पहले का पहला मंत्र, पूर्णता के लक्ष्य से वास्तविक शुरुआत होती है। मुझे भगवान तो हूं मैं स्वभाव से, परिणाम में भी मुझे भगवान बनना है, अंत में भी मुझे राग द्वेष नहीं करना है, किसी जीव के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी मुझे द्वेष नहीं करना है, और देव गुरु शास्त्र के प्रति भी मुझे राग करना, क्योंकि वो सभी प्रकार के जो जीव है, उद्गल है, सभी जो द्रव्य है मेरे ज्ञान का अपने, मुझे तो परम मित्र पूर्ण मित्र का चाहिए, पूर्ण तो का चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, ऐसी पूर्ण शांति मुझे मिले वो मेरा ध्येय, अब भटक भटक करना वो मेरा ध्येय, ये अंतकरण से आ गए। आज का दिन कम से कम कितना मंथन करें, भाई आत्मा को पूछे कि क्या करना है भाई, क्या तुमको अभी बहुत अभी भी भटकना बाकी है कि अभी बदल जाना है, भटकना है तो राजी खुशी से, कोई बात नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक सकता भी नहीं। लेकिन अगर इसने जीव ने निश्चय कर लिया आज आज के दिन तो यहाँ भटकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, तो मरीने पर मिथ्या तो नात्मा उद्यम कर, मरीने पर एक दिन मैंने गारंटी आपी जाए कि बे घड़ी माटे शरीर नो पड़ोसी थे 31 नंबर उठलो, માત્ર બે ઘડી માટે શરીરનો પાડોશી થઈને તારા સ્વરૂપને જો સ્વભાવને તને અનુભૂતિ થયા વગર રહેશે, પછી તું જ કહીશ કે હવે મારે કઈ બહાર ભટકવું નથી, એક વખત તકલીફ છે જે કઈ પણ છે, શરૂઆતના દિવસો જરા બહુ તકલીફ વાળા છે, પણ એક પ્રયત્ન કરતા કરતા ને એક વખત જોઈ લે ને પછી તું ક્યારે છોડવા નહીં, તું તો પછી હસીશ મારી ભૂલો પોતાની ભૂલો,
आप आप को भूल गया, इनसे क्या होंगे। सुमर सुमर अब हंसता है, याद कर करके अपनी गलती को याद करके हंसता है। अरे इतनी गलती क्या, भगवान तो अपने को भगवान नहीं माना, इतनी गलती बस, ये तो एक सेकंड में निकल सकती थी। आप आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर। सुमर सुमर अब हंसता है, नहीं भूलेंगे फिर। अपनी गलती से किसी गलती नहीं थी, पोता ने तू प्रभु पद स्थाप, तू पोते परमेश्वर से मार, हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, हूँ परमात्मा छुए निर्णय कर, हूँ परमात्मा छुए आ त्रण चावी से बीजी चावी नहीं कोई सुखी दवानी बीजी कोई चावी नहीं गुरुदेव में मंत्र दे तमें भगवान छुए तो नक्की करवा दो कि ना जारे तू पोते हूँ भगवान छुए स्वीकार करी तेरे बाल में पण आप पूर्ण मित्र भगवान से एनी तने प्रति की राती दसे एनी पर तने प्रति नहीं धराती आप भगवान ने तू ओळखी सकतो ज नथी हजी जो ओळखे तो तू तो भगवान थाय वगर है नहीं कोई दिवस अगर तुमने इन भगवान को पहचान लिया तो तुम भगवान के बिना नहीं रहे पहचान अंदर से होती है अंदर से पहचान कर आज के दिन प्रतिज्ञा कर अब मुझे मुख में राम बगल में छोड़े नहीं करना है तो करना है और करने वाले कभी पीछे मुड़ के देखते हैं रहने चले और अद्भुत छुपे नहीं भाग्य छुपे नहीं बहुत ही लगा है चंचल नाई के नैन छुपे नहीं एम आ हरी न मार क्यों ने मातु बापी ने मुक्की दे वही आयो मार से घरे तो हाँ पांचवी वाले ने जाऊँ नहीं क्यों संसार में तू सड़ गए थे ना तू बड़ी गई तू नुकसान थे गई मारे आज में बच्चे पर बीज बीज का ही मरे जाऊँ ना आज ना दिन से अंतकरण की प्रतिज्ञा करो सरल बनी जाओ पोता ना घर में जाऊँ छे ने अब हम कब हूं न नीचे जा रहा है पर घर फिरत अनंत दिन बीते अनंत काल बीते गए ना माने का जा रहा है अब हम कब हूं न नीचे जा रहा है पोता ना घर में जवानी मान परमेश्वर आम तो छे स्वभाव थी पर परिणाम में पर परमेश्वर सवानी आ बात है आ भगवान दवानी बात आ शास्त्र जैसे ने असर ही सवानी बात एटले अपने आदरी से बदा जीवो अंतकरण सुधारो करे परम सरल बने उत्तम आदेव धर्म की आराधना करे अने आपकी दिशा बदली नाखे भाव ने अंदर थी बाहर थी अपने कई जरूर नहीं अंदर की दिशा बदली जाए आपकी 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 लाइन बधु बराबर के थी हेडिंग थी जैसे आपकी એટલે આપણે એવી ભાવના ભાવી કે બધા જીવોને ગુરુદેવની આ વાત સમજાય પોતે પોતાને શુદ્ધ અંતકરણથી નક્કી કરે કે મારે હવે ભગવાન થઈ જવું છે આવા વિકારા ગળા મારે હવે કરવા જન્મ મરણ માં મારે ભાઈ ભટકવું એવો નિર્ણય આજની તારીખમાં નિર્ણય તો પેલા કર નક્કી તો કર પેલા એટલું કરી નાખે એટલે બધા જીવો પછી આગળ જઈને પોતાના આત્મ સ્વરૂપ ના દર્શન કરે ને અલ્પ કાળમાં સિદ્ધ ગતિ ને પામે એવી ભાવના કરે સુખ ધામ અનંત સુસંત જહિ दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदे